हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर वन का चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कम्प्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ, सो दैट आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है इवैल्यूएट। फर्स्ट सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो लॉग एक्स का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और आपको मालूम है जब भी सिर्फ लॉग एक्स का टर्म रहेगा, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से, या उसे हम बोलते हैं यू इंटू वी रूल। और इन दिस केस हम वी क्या लेते हैं, ऑलवेज 1 लेते हैं, और यू जो है वो आपका लॉग का फंक्शन रहेगा। तो मैं देखो इसे यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ये आपका यू रहता है और ये वी रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट देखो लिखता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूले में पहले यू आता है, दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर log x द होल स्क्वायर, हाँ ये u हो गया। फिर इंटीग्रेशन आता है आपका v, v मीन्स होता है देखो 1 dx एक्स दिस वे। फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन, फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि log x का होल स्क्वायर, फिर इंटू आएगा। अगेन आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1 dx एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम पूरा dx लिखते हैं दिस वे। तो ये मेथड है, तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। ये देखो आपका log x द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इनटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन तो मालूम है x होता है, तो यहाँ पर x लिख दिया माइनस। ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होता है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला आपको पता ही है 2 हो जाएगा, और ये देखो log x, बट आपको इनटू करना पड़ेगा अगेन d बाई डी एक्स ऑफ log x करना होता है, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x होता है, और ये ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो चुका है, और ये dx आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये देखो log x द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इनटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स log x एज इट इज़ इनटू d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन x होता है, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन x, यहाँ पर x पहले से ही है, सो दैट ये x x कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, x इंटू log x द होल स्क्वायर माइनस 2, कॉन्स्टेंट आप बाहर भी ले सकते हो, तो यहाँ पर अगेन देखो आपका बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ बच रहा है log x इंटू डी एक्स, तो अगेन हम log x का इंटीग्रेशन u इंटू वी के फॉर्मूले से लेंगे, वेयर v इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं देखो लिखता हूँ ये x इंटू log x द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 2 टाइम ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये log x इंटू 1 लेना होगा। तो अगेन हम यहाँ पे u इंटू वी रूल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखो आपका u हो गया और ये v हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू, ये देखो आपका log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 2 टाइम्स एज इट इज़। ब्रैकेट देता हूँ मैं बिकॉज इंटीग्रेशन के बाहर 2 मल्टीप्लाइड है, और मैं अब अगेन यूज़ करूँगा u इंटू वी रूल जो कि हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था। तो पहले u आता है फॉर्मूले में, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा, सो 1 डी एक्स माइनस आपको लिखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आता है d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स log x इंटू लिखना होता है हमें इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1 डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहाँ पे लिखना है पूरा dx। सो देखते कितना था सिंप्लीफाई करके, तो दिस इज x इंटू log x द होल स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस 2 इंटू ब्रैकेट log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, देन माइनस ये इंटीग्रेशन को ऐसे रखते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x इंटू log x द होल स्क्वायर माइनस ये x x कैंसिल हो जाएगा, आप 2 से ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 log x इंटू x एज इट इज़ रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बच रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x,
और आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लास्ट का जो दो टर्म है वहाँ पर आप x भी कॉमन ले सकते हो, या तो पूरे भी टर्म्स में ओवरऑल देखो आप x को कॉमन ले सकते हो। अगर आपने यहाँ तक रखा तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, जब हम 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 log x into x माइनस, तो ये जो 2 है इसको भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, x आता है, बट ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 2x मिलेगा प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इतना रखा आपने तो कोई इशू नहीं, आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। अगर आपने इंटीग्रेशन प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको इजीली समझेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो e रेज टू x दिया है और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब भी e रेज टू x रहेगा और फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इनटू ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, देखते कैसे आता है। तो ये जगह आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा, 1 + x है और अपॉन में क्या दिया है 2 + x का होल स्क्वायर है। तो मैं ट्राई करता हूँ 1 + x को 2 + x में कन्वर्ट करने का, सो दैट कुछ कैंसिलेशन हो जाए यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर 2 लाने के लिए 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 2 + x और मैं -1 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 2 + x देखो यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा dx दिस वे, बिकॉज 2 - 1 क्या तो +1 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट ये फर्स्ट 2 टर्म को ब्रैकेट में दे दो आप। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, ऐसे ही रहेगा बाहर ब्रैकेट के, और इसे आप स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा देखो 2 + x डिवाइड बाय 2 + x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपॉन दिस इज 2 + x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू dx लिख दो। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये जो 2 + x और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं क्या मिलता है, इंटीग्रेशन e रेज टू x ब्रैकेट में यहाँ पर आपका बच रहा है 1 / 2 + x बच रहा है, माइनस देखो 1 / 2 + x का देखो होल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो e रेज टू x हो गया ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर देखो 2 टर्म हो गया, बट फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव यहाँ पे प्लस चाहिए रहता है। सो मैं देखो थोड़ा और मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ, e रेज टू x इंटू ब्रैकेट 1 / 2 + x रहेगा, माइनस है मुझे यहाँ पे लिखना है प्लस, तो माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, तो ये जाएगा आपका देखो ब्रैकेट के अंदर -1 / 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट इंटू देखो dx। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। अगर मैं इसे f ऑफ x लूँगा और इसका डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड आउट करूँगा, एग्जैक्ट सेम थिंग आएगा, 1 / 2 + x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 / 2 + x द होल स्क्वायर होता है, पता है आपको, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा, बिकॉज 1 / x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 / x2। तो 1 / 2 + x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 / 2 + x द होल स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x हो गया और ये जो आपका फंक्शन है f डैश ऑफ x हो गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा e रेज टू x इंटू f ऑफ x आता है, यानी कि 1 / 2 + x और हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट में एक फंक्शन रहेगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव एडिशन में रहेगा इंटू dx, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस सी, यही फार्मूला मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आपका सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो थर्ड सब क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज टू 2x इंटू dx, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो x है दूसरा e रेज टू 2x है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू v रूल के मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं, बट u इंटू v अप्लाई करने के लिए पहले आपको थिंक करना पड़ेगा कि हमें u क्या लेना है और v क्या लेना है। तो इसके लिए एक रूल है, हम अप्लाई करते हैं LAE का कॉन्सेप्ट। L मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स होता है अल्जेब्रिक फंक्शन और E का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो अब देखते हैं यहाँ पे x क्या है आपका, x अल्जेब्रिक फंक्शन है और e रेस टू 2x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऑर्डर एल ए ई में जो फंक्शन पहले आता है उसे हम u अज्यूम करेंगे और जो बाद में आएगा उसे v अज्यूम करेंगे। तो देखो अल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, तो जो x है वो u रहेगा आपका और ये आपका v रहेगा तीसरे। तो फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन e रेस टू 2x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो रूल अप्लाई करता हूँ, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, I इक्वल टू होता है पहले u लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होता है e रेस टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देन d बाय dx हमें u लिखना है, देन अगेन इंटीग्रेशन v लिखते हैं हम e रेस टू 2x इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर आप लिख दो dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x इंटू e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, e रेस टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू x, तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन भी e रेस टू 2x हो जाएगा, बट x के प्लेस पे अगर x का लीनियर फंक्शन होगा यानी कि लीनियर कंपोजिट फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना होता है। तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा, लिख दो यहाँ पे माइनस, ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होता है, d बाय dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। अगेन देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x, सेम थिंग आएगा e रेस टू 2x अपॉन 2, तो लिख दिया e रेस टू 2x अपॉन 2 इंटू, देखो हो गया ये dx, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x इंटू dx, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू e रेस टू 2x डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ एज इट इज रहेगा इंटू, अगेन देखो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, तो e रेस टू 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x तो 2 हो जाएगा और आपको लिखना है प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x इंटू e रेस टू 2x डिवाइड बाय 2 माइनस e रेस टू 2x डिवाइड बाय 2 टू जो 4 हो जाएगा देखो यहाँ पर, और ये लिखो गया प्लस सी। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो e रेस टू 2x अपॉन 2 को आप कॉमन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो मैं e रेस टू 2x अपॉन 2 को कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा मॉडिफिकेशन, यहाँ पर बचेगा जस्ट x आपका और यहाँ बचेगा माइनस 1/2 बचेगा और ये प्लस सी। तो अगर आपको बैक आंसर चाहिए थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो इसे, तो ये देखो जाएगा आपका e रेस टू 2x डिवाइड बाई 2 है इंटू ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज e रेस टू 2x इंटू देखो यहाँ पर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू जो आपका 4 हो जाएगा और ये देखो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। तो ये मॉडिफाइड आंसर है जो कि बैक टेक्स्ट बुक के बैक में दिया है, बट कंपलसरी नहीं है आपको यहाँ तक करना। अगर आपने यहाँ तक भी कर दिया, ये स्टेप तक आपने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट है ये। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे देखो आपको लॉग का फंक्शन दिया है, दूसरा कुछ नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि यू इंटू वी रूल के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जहाँ पे वी आपका 1 रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे मैं यू अज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 लेता हूँ, उसे हम वी ले लेते हैं। अब देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, पहले हम यू लेते हैं, दैट मीन्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यू हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी लेते हैं दैट मीन्स 1 डी एक्स माइनस, अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है, फिर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट मीन्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, देन आप लिखोगे अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वी मीन्स 1 डी एक्स हो जाएगा और आप यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दो, यहाँ पर अगेन लिख दो डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है माइनस, इंटीग्रेशन देखो लिखा है वो बाद में ही वैल्यूएट होता है,
सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लॉग ऑफ कुछ भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव वन अपॉन होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बट आपको इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स नहीं है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो गया दिस में, तो ये वाला इंटीग्रल आपका निकल चुका है। मैं फर्दर देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2x होता है, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो 2x प्लस 1 इंटू एक्स तो ऑलरेडी है, दिस इज डी एक्स। देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वैसे ही रहेगा, ये x यहाँ पर इंटू है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पे ये आपका 2x प्लस 1 है और x इंटू है, तो हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा देखो 2x इंटू एक्स, तो आपका हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, तो x हो जाएगा, और डिवाइड में देखो यहाँ पे क्या दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और इंटू डी एक्स रहेगा। यहाँ तक तो हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसे कुछ स्प्लिट करने का, देखते क्या होता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो इंटीग्रेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो 2x स्क्वायर है ना, तो मैं 2x स्क्वायर को स्प्लिट कर देता हूँ, 2x स्क्वायर आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस ये x आएगा और ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, आई थिंक आपको समझा रहेगा। सिंपली मैंने क्या किया है, ये जो 2x स्क्वायर था उसे मैंने स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, सो दैट अगर मैं ये फर्स्ट टू टर्म को कॉमन लूँगा तो और सेपरेट करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो ये देखो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, इसे स्प्लिट कर दो, तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई सेम थिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहाँ पर देखो इंटू डी एक्स लिख दो, फिर देन प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स मिल रहा है, ये वैसे मिल चुका हमें। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस है, मैंने इक्वल टू लिख दिया बाय मिस्टेक, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो आपका एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बचा कैंसिल होके, और वन का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है एक्स होता है प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, प्लस यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर को प्लस एक्स और माइनस एक्स एडजस्ट करता हूँ, सो दैट अगेन वहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर में मैं प्लस एक्स को ऐड करता हूँ तो मुझे एक्स को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और ये देखो आपका डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, फर्स्ट टू टर्म को आप ब्रैकेट में रख दो और इसको सेपरेट करो तो फिर कैंसिल होगा ये, तो एक्स इंटू दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया ये माइनस एक्स प्लस देखो सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पर देखो आपका x अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू देखो हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स, एक्चुअली ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो डी से, तो ये आपका कैंसिलेशन हो गया। सो देखते हैं आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, सो दिस आई कैन राइट x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज माइनस एक्स ऐसे रहेगा आपका प्लस देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल होकर के वन बच रहा है, तो मैं लिख देता हूँ वन माइनस यहाँ पर x से डिवाइड बाय x कॉमन लूँगा ना तो मुझे यहाँ पे क्या बचेगा देखो x प्लस वन बचेगा और ये इंटू डी एक्स, तो आपको यहाँ पर लिखना ही है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और ये देखो आपका प्लस ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है वन माइनस वन अपॉन देखो यहाँ पे x प्लस वन मिल रहा है और ये इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली निकाल सकते हो, देखते हैं क्या मिलता है।
तो दिस इज x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन के अंदर वन दिया है, तो वन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, वन का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है। देखो मैंने एक सिंपल से यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, ये देखो मैंने सेपरेट किया यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेपरेट किया, ठीक है। बट जब ये माइनस साइन से मैं ओपन करूँगा इंटीग्रल को ना, तो माइनस देखो यहाँ पे वन बचेगा, तो वन का इंटीग्रेशन तो एक्स आएगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस एक्स। बट ये माइनस साइन से ओपन हो रहा है ना ब्रैकेट, देखो यहाँ पे ये माइनस साइन ये दोनों के लिए है, दोनों भी टर्म्स के लिए है। तो जब माइनस साइन से आप ब्रैकेट, जब माइनस साइन आप इंटीग्रल के अंदर लेकर के जाओगे, तो जो सेकेंड टर्म है उसे भी माइनस अप्लाई होगा, यानी कि ये जो सेकेंड टर्म था यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो जस्ट आप करेक्शन कर लो, ये आपका देखो माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा ये माइनस हो जाएगा, जस्ट मेक द करेक्शन, ये माइनस हो जाएगा आपका एवरीवेयर, जहाँ देखो मैंने प्लस लिखा है आप उसे माइनस कर लो, प्लस के प्लेस पे माइनस कर लो, और यहाँ भी देखो आप माइनस कर लो, ये छोटा सा करेक्शन हो गया था, ठीक है। तब मैं देखो सॉल्व करता हूँ इसे, वन का इंटीग्रेशन लिख दिया हमने एक्स, देन ये माइनस और ये माइनस मिल करके आपको यहाँ पर प्लस देगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन आपको मालूम है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिख दो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और लिखूंगा मैं तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये हो गया देखो आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स माइनस एक्स, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस टू एक्स, और ये देखो प्लस हो गया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। थोड़ा सा सिस्टमेटिक जाओगे आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा, तो ये फाइनल आंसर है, सॉल्व कर लो आप। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू रूट एक्स इंटू डी एक्स। अगर ई रेस टू एक्स रहेगा या तो फिर एक्स के प्लेस पे अगर लीनियर फंक्शन होगा एक्स का, तो उसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे e का जो पावर है वो रूट एक्स दिया है, और रूट एक्स आपका x का लीनियर फंक्शन नहीं होता है, तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो मैं देखो यहाँ पे पुट करूँगा, आई विल राइट हियर पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, मैं पुट करूँगा, ठीक है। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है बोथ साइड, और वहाँ से निकालना होता है डी एक्स। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, और टी का डेरिवेटिव आपको मालूम है डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से डी एक्स निकालेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका टू रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा, और आई कैन राइट टू इंटू, हमने रूट एक्स को टी लिया था, तो देखो टू टी इंटू डी टी हो जाएगा, इससे बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करूँगा, तो आई विल राइट हियर देयर फोर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू रूट एक्स को हमें क्या लिखना है t, अज्यूम किया हमने, इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो डी एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है टू टी इंटू डी टी। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू टी इंटू, देखो हो गया आपका ये डी टी। आप टू को बाहर ले सकते हो, कॉन्स्टेंट है वो, तो इंटीग्रेशन आप क्या बचेगा यहाँ पे t इंटू ई रेस टू टी इंटू, देखो हो गया डी टी। अब इंटीग्रेशन के अंदर t के दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, t जो है वो आपका अल्जेब्रिक फंक्शन है, और e रेस टू t जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में रूल पता है एल ए ई का कॉन्सेप्ट, ए मीन्स होता है अल्जेब्रिक, ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम u लेते हैं, तो t आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। तो अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू v रूल के मेथड से सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू टू एज इट इज़ रहेगा, तो ब्रैकेट दे दो बिकॉज हम टू से मल्टीप्लाइड है इंटीग्रेशन को, और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करना है। तो पहले मैं यू लिखता हूँ फॉर्मूले में, राइट, यू आता है इंटीग्रेशन ऑफ वी आएगा, दैट मीन्स ई रेस टू टी डी टी, फिर माइनस आता है, फिर लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ यू, अगेन आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ वी, दैट मीन्स ई रेस टू टी इंटू डी टी होता है, और ब्रैकेट क्लोज करके अगेन हम यहाँ पर डी टी लिखते हैं।
सिंप्लीफाई करते जाओ, सो दिस इज टू एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर टी इंटू ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन, तो मालूम है आपको ई रेज टू टी होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, वन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी, तो ई रेज टू टी इंटू देखो यहाँ पे डी टी, ब्रैकेट क्लोज करो। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर, ये हो जाएगा टू ब्रैकेट टी इंटू ई रेज टू टी एज इट इज रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी, तो e रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, e रेज टू t आएगा, इंटीग्रेट हो गया है, आप लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, e रेज टू t को आप कॉमन भी ले सकते हो, तो मैं देखो यहाँ पे 2 e रेज टू t कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका t माइनस 1 बच रहा है और ये प्लस c। अब फाइनली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट तो हो चुका है, सॉल्यूशन मिल गया है, जस्ट हमें टी का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो टी का वैल्यू कितना है देखो, रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा देखो आपका आई इक्वल टू टू ई रेज टू क्या लिखोगे, रूट एक्स इन टू ब्रैकेट में दिस इज रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है दिस वे। देखो सिक्स सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आपको मालूम है जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में एक मेथड सिखाया था, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ इसे मॉडिफाई करने का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं लेना है आपको, जस्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखो टू दिया है, और ये होल स्क्वायर तो कितना आएगा वन मिल जाएगा कैंसिल होकर के, सो देयरफोर हमें यहाँ से मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो अंडर रूट, हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस मिडल टर्म में ये वन को ऐड करेंगे, और जो लास्ट का टर्म होता है वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वन को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर अंडर रूट, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वहाँ से आपको कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर को एक्स लिखते हैं, मिडल टर्म का जो साइन होगा वो साइन लिखना है, और ये वन का स्क्वायर रूट वन आएगा, तो वन लिख करके आप होल स्क्वायर लिख दोगे, प्लस फाइव माइनस वन तो आपको प्लस फोर मिल जाएगा, ये इंटू देखो आपको डी एक्स, समझा रहेगा आपको ये मेथड मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब देखो फोर को मैं टू का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये देखो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस फोर है तो हम उसे टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो आपका इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आंसर लिखूंगा, तो आपको ईजिली समझेगा। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स अपॉन टू इंटू अंडर रूट, ऐसे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बाद में प्लस आता है, उसके बाद आपको लिखना होता है ए स्क्वायर अपॉन टू, फिर इंटू आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट सेम थिंग, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस सी, ये फार्मूला हमारे पास है। तो यही सेम फार्मूला यूज़ करके मैं ये सम को सॉल्व करूँगा, देखते क्या मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू, बट आपको ध्यान में रखना है कि एक्स के प्लेस पे हमारा एक्स प्लस वन है, और जहाँ पर ए है वहाँ पे आपको टू लिखना है, तो क्या आएगा ये एक्स अपॉन टू मीन्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू आएगा, ठीक है। फिर अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है, दैट मीन्स एक्स प्लस वन का देखो ये होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे फोर लिख दो, देन यहाँ पर है प्लस लिखना है आपको ए स्क्वायर अपॉन टू, ए का वैल्यू कितना है टू, ये हो जाएगा देखो टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आएगा देखो आपका प्लस अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है, दैट मीन्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर ये फोर, और ये देखो आपका प्लस सी। थोड़ा इसे मैं और सिंप्लीफाई करूँगा, तो क्या मिलेगा देखो हमें I इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू अंडर रूट, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस फोर, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप मिल जाता है। देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ पर है, इसके पहले का स्टेप क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, तो ये रूट के अंदर का सिंप्लीफिकेशन आएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव
आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्लस है, टू स्क्वायर अपॉन फोर है, टू टू कैंसिल होगा तो टू बचेगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस देखो अंडर रूट, वही सेम थिंग आएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे लिखोगे प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का, देखो सेवन्थ सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट सब क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर फोर का, आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन इंटू डी एक्स, तो इसके पहले का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सिमिलर है, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, जस्ट हम मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो माइनस एट दिया है, द होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो माइनस फोर आएगा, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, तो मिडिल टर्म में क्या करोगे आप 16 को ऐड करोगे, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना होता है इनटू देखो यहाँ पे डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, तो जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो आपको कंप्लीट स्क्वायर दे देगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस सेवन है माइनस सिक्सटीन है, तो 16 माइनस अगर आप 7 करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 9 मिल जाएगा दिस वे, राइट। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 9 है तो मैं इसे देखो 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है जो कि हमने इसके पहले फार्मूला यूज़ किया था, तो पहले मैं फार्मूला देखो आपको बताता हूँ क्या है। देखो फार्मूला हमारे पास है, सिंस हम यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका है एक्स अपॉन टू, ठीक है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना होता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या आता है आपका प्लस आता है, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू, फिर आएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट सेम थिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला है। तो यही सेम फार्मूला देखो मैं यहाँ पर अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा दिस आई इज इक्वल टू, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको लिखना है एक्स माइनस फोर, और फार्मूले में जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको थ्री लिखना है, ये आप ध्यान में रखो। सो देखते क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका देखो एक्स अपॉन टू, दैट मीन्स एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस फोर है, तो एक्स माइनस फोर अपॉन टू अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है, दैट मीन्स एक्स माइनस फोर का देखो होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस थ्री का स्क्वायर दिया हुआ है, देन यहाँ पर प्लस आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू रहता है, बट ए का वैल्यू कितना है थ्री है, तो ये हो जाएगा आपका थ्री स्क्वायर अपॉन टू, फिर इंटू रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स आता है, बट एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है एक्स माइनस फोर, और प्लस आएगा देखो यहाँ पर अंडर रूट सेम थिंग, दैट मीन्स एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस दिया है देखो थ्री का स्क्वायर, और ये प्लस सी, ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया है, आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई टू, और ये अंडर रूट, ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा बिकॉज रूट के अंदर का जो टर्म है अगर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑलवेज आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप मिल जाता है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, तो आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन हो जाएगा, प्लस देखो थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा डिवाइड बाई टू, एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर एज इट इज़ रहेगा, देन प्लस देखो आपका यहां पर भी वही चेंजेस होगा, रूट के अंदर का टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन मिलेगा, और आप यहाँ पर लिख दो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, सम सॉल्व हो गया है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन में मैंने एक साइन का मिस्टेक किया हुआ है, एक्चुअली जो आपका फार्मूला है देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, फार्मूला होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। देखो जब रूट के अंदर यहाँ पर प्लस होगा तो फार्मूले में आपका प्लस आता है, बट रूट के अंदर माइनस है ना तो ये फार्मूले में आपका माइनस आएगा, सो प्लीज़ डू द करेक्शन, हाँ आप यहाँ पे माइनस कर लो तो बाकी जगह भी करेक्शन हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह जस्ट आप माइनस कर दो
बाकी सम आपका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, सम सॉल्व हो गया ये। तो क्वेश्चन में फिफ्थ का फर्स्ट सम आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में x का लीनियर फॉर्म है और डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है x का। तो मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके दो फैक्टर बना सकता हूँ और उसके बाद ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इसका फैक्टर बना दो तो क्या बनेगा, 2 वन सा माइनस 2 होता है, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, और देखो यहाँ पर प्लस x आएगा माइनस 1, ये देखो आपका फैक्टर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइड बाय फर्स्ट टू टर्म में 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस 1 इंटू dx। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 आएगा 1 ब्रैकेट में और x माइनस 1 आएगा आपका देखो सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है इसे हम इजीली इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 1, ये आपका रैशनल फॉर्म है, तो इसे हम अज्यूम करेंगे a अपॉन देखो फर्स्ट फैक्टर यानी कि 2x प्लस 1 प्लस आएगा b अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट मीन्स x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और यहाँ पर देखो x माइनस 1 एज इट इज रहेगा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस देखो b इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फैक्टर कॉमन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें क्या मिल रहा है देखो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस देखो यहाँ पे b इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू पहले मैं 1 पुट करता हूँ तो a का टर्म 0 होगा, b मुझे मिल जाएगा, तो आई विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड। तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, लेफ्ट हैंड साइड 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में x का वैल्यू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा, जस्ट b का टर्म बचेगा, ये जगह b इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये 3 b हो जाएगा। तो देखो आपको b का वैल्यू क्या मिल रहा है, b इक्वल टू हमें मिल गया है 2/3। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ सिंपल वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आपको जस्ट माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x का वैल्यू 1 पुट करना राइट हैंड साइड में देखो x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस a बचेगा जस्ट, और फिर यहाँ पे प्लस देखो आपका b है x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो या 0 प्लस 1 तो 1 आएगा 1 इंटू b, तो जस्ट आपका b यहाँ पे बच रहा है। तो हमें a का वैल्यू चाहिए, तो माइनस ए को यहाँ पे शिफ्ट करो प्लस ए हो जाएगा एंड b माइनस 1 वहाँ पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना मिला है 2/3 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से 5/3 मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आई से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, रिप्लेस करना है आपको, ये पूरा रिप्लेस कर दोगे आप इससे तो ये हो जाएगा देखो आपका a अपॉन दिस इज 2x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखो प्लस b अपॉन x माइनस 1 हो गया ये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आपको लिखना है dx, सिंप्लीफाई करते जाओगे तो a कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx प्लस देखो b बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ए और बी का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू कितना निकाला हमने यहाँ पर देखो 5/3 है और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू देखो आएगा आपका dx, बी का वैल्यू कितना मिला है 2/3, तो लिख दो प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है, ये देखो आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5/3, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1, पर आपको अपॉन करना होगा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 कितना होता है 2 हो जाएगा
और ये प्लस आपका 2/3 वैसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन, तो 1 हो जाएगा। और ये लिख दो आप प्लस सी, तो मैं देखो फाइनल आंसर लिख दूंगा अब, तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू फाइव अपॉन ये 3 और ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5/6 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1, और ये देखो प्लस आपका 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो जो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ - 3x² - 9x+1 अपॉन 2x² - x - 10 दिया है। तो अगर आप इसे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो x का पावर 2 है और न्यूमरेटर में x का पावर 3 है। तो जब न्यूमरेटर में x का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के x के पावर से ज़्यादा रहता है तो हम डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और जो आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 2x² - x - 10 से, मैं डिवाइड करता हूँ देखो न्यूमरेटर को, दैट मीन्स 2x³ - 3x² - 9x+1 डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 2x³ है, तो मुझे यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2x³ हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस आपका x² और ये हो जाएगा देखो माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दो माइनस प्लस, और ये देखो प्लस हो जाएगा आपका, साइन कैंसिल हो गया, माइनस 3x² + x², तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा माइनस 2x² मिलेगा, और देखो माइनस 9x है प्लस 10x है, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 9x 1x आएगा, और ये प्लस 1 को तो आपको वैसे ही कॉपी करना है। अब देखो यहाँ पर 2x² है और यहाँ पे माइनस 2x² है, तो जस्ट मुझे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 1 इंटू दिस, तो हो जाएगा माइनस 2x², देन माइनस माइनस तो प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर दो प्लस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 - 10, तो 1 - 10 करते हैं तो कितना आएगा आपको माइनस 9 आएगा, बहुत ईजी हो गया डिवीजन। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिविडेंड इक्वल टू, तो डिविडेंड इक्वल टू मतलब जिसको हमने डिवाइड किया है 2x³ - 3x² - 9x+1, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र, किससे आपने डिवाइड किया 2x² - x - 10 से, डिवाइज़र इंटू कोशेंट कितना मिला है एक्स माइनस वन, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है देखो आपका माइनस 9। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इजिली, देखो तो ये देयरफॉर आपका हो जाएगा ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर आपका रिप्लेस हो जाएगा इससे, हाँ तो आप लिखोगे 2x² - x - 10 इंटू यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है और प्लस माइनस देखो आपका 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा 2x² - x - 10 इंटू dx। इसके बाद हम सेपरेट कर देंगे, हाँ तो अगर मैं सेपरेट करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - x - 10 इंटू देखो यहाँ पर है एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है 2x² - x - 10, और ये देखो माइनस हो जाएगा आपका 9 अपॉन दिस इज 2x² - x - 10, ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर लिख दो dx, तो ये तो देखो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बच रहा है x माइनस 1 और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस 9 अपॉन देखो यहाँ पर दिस इज 2x² - x - 10 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजिली इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x² / 2 आएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, फिर देखो माइनस 9 को बाहर ले लो और इसको अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करो, 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x² - यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना होगा और 2 कॉमन गया तो यहाँ पे -5 बचेगा एंड दिस इज dx। सो दिस आई कैन राइट x² / 2 - x - 2 बाहर आएगा तो 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ देखो x² - x/2 - 5 × dx, तो 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया और उसका इंटीग्रेशन आपको पता है मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है देखो आपका -1/2 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो आपके मिलेगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 आएगा।
So therefore I is equal to x square upon 2 minus x minus 9 by 2 integration of 1 upon complete square बनाना है x square minus x by 2 तो middle term में 1 by 16 को add कर दो और जो last का term है वहाँ से आप 1 by 16 को subtract कर दो this way. So simplify करते जाओ solution आपको मिल जाएगा. So this I is equal to x square upon 2 minus x minus 9 by 2 इसे complete square कर दो आप ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस विल बी x माइनस 1 बाई 4 का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है माइनस 5 माइनस 1 बाई 16 तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 5 का कितना होगा 80 और ये देखो माइनस 1 तो माइनस 80 माइनस 1 कितना माइनस 81 हो जाएगा तो माइनस 81 अपॉन 16 तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 अपॉन 4 का देखो होल स्क्वायर इंटू dx आएगा. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सॉल्व करते हैं हम तो आई इक्वल हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 9 बाई 2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे. इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 ए का वैल्यू 9 बाई 4 है फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस 4 माइनस 9 बाई 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस ए तो एक्स माइनस 1 बाई 4 प्लस 9 बाई 4 और यहाँ पे आप लिखोगे प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो देखते क्या मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इसे सिंप्लीफाई कर दो देखो 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा कैंसिल होगा 2 टू भी कैंसिल हुआ 9 9 भी आपका जाएगा तो यहाँ पे सिंपली बचेगा माइनस लॉग ऑफ ये मॉडिफाई करता हूँ मैं तो इसको भी मैं अपॉन 4 करता हूँ तो ये 4x अपॉन 4 हो जाएगा राइट तो 4x अपॉन 4 करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा देखो 4x माइनस 1 माइनस 9 दैट मीन्स ये माइनस 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 4 है वो और यहाँ पर भी देखो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 4x और ये माइनस 1 प्लस 9 तो ये हो जाएगा आपका देखो 4x माइनस 1 प्लस 9 तो आपका कितना हो जाएगा ये प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 4 कैंसिल होगा और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक स्टेप आप और लिख दोगे फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस देखो यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 2 कॉमन गया है तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका प्लस 4 बच रहा है ठीक है दिस वे और ये प्लस सी तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया सम सॉल्व हो गया यहाँ पर. सी नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो फिफ्थ का थर्ड सब क्वेश्चन जो कि लास्ट सब क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा. अगर मैं लॉग एक्स को टी पुट कर दूंगा ना तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखो आपका 1 अपॉन एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी. हाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको डी टी बाई डी एक्स मिलेगा या तो आप यहाँ से लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू x into dt ठीक है. अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो therefore ये हो जाएगा I equal to integration of 1 plus log x को t लिया था और ये x वैसे ही रखता हूँ मैं 3 plus log x को t लिया था और देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 plus 3 into log x को t लिया है और dx हमने कितना निकाला है x into dt तो ये x कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाई दिस इज 3 प्लस टी इंटू यहाँ पर हो गया आपका 2 प्लस 3t इंटू डी टी. अब ये क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लूँगा लेट 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय क्या है 3 प्लस टी और यहाँ पर इंटू क्या लिखोगे आप 2 प्लस 3t इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लेते हैं हम और बाद में यहाँ पे प्लस b अपॉन हम सेकेंड फैक्टर लेते हैं रूल तो आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस टी अपॉन क्या मिलेगा देखो यहाँ पर 3 प्लस टी इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 3t ठीक है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इंटू 2 प्लस 3t और प्लस आएगा b इंटू दिस इज 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी इंटू देखो ब्रैकेट में 2 प्लस ये 3t आएगा तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे तो आई विल गेट हियर 1 प्लस टी हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल रहा है a इंटू 2 प्लस 3t मिल रहा है और ये आपका देखो है प्लस b इंटू है यहाँ पर 3 प्लस टी दिया है. अब यहाँ से हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके बाद आपका सॉल्यूशन ईजिली आ जाएगा तो हम एक टर्म को ट्राई करेंगे यहाँ पे जीरो करने का. देखो यहाँ पे 3 प्लस टी है देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे t का वैल्यू -3 पुट करूँगा मैं तो आई विल राइट हियर पुट t इज इक्वल टू -3
तो ये हो जाएगा आपका 1-3 इज इक्वल टू a इंटू 2, t का वैल्यू -3 पुट करना है तो 3 इंटू -3 तो -9 हो जाएगा देखो आपका ये, और ये टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको -2 इज इक्वल टू 2-9 तो -7a हो जाएगा दिस वे। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2/7। a का वैल्यू हो गया है, अब हम जस्ट b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे t का कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ देखो, मैं यहाँ पे पुट t इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो कितना मिलेगा देखो आपको, ये 1+0 तो 1 हो जाएगा, दिस इज a इंटू t का वैल्यू 0 है तो जस्ट 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे b इंटू t का वैल्यू 0 है तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से b निकालना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका, 3b इज इक्वल टू 1-, क्या आएगा देखो आपका 2a आएगा, और आपको a का वैल्यू पता है तो 3b इज इक्वल टू 1-2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2/7। सो दिस इज 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1-2 2 4/7। अगेन अगर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 7 4 कितना आएगा 3/7 आएगा। तो ये देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b का वैल्यू कितना मिल रहा है 1/7। अब हम इंटीग्रेशन देखो इजिली इवेल्युएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये जो था आप यहाँ से रिप्लेस कर दो और उसके प्लेस पे ये लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल फॉर्म a अपॉन दिस इज 3+t, और यहाँ पे प्लस देखो आपका b अपॉन 2+3t, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर लिख दो dt। a और b का वैल्यू मालूम है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो। a का वैल्यू कितना मिला है 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3+t dt। b का वैल्यू कितना मिला है 1/7, तो प्लस देखो आपका 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2+3t इंटू dt। सो दिस इज इक्वल टू 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3+t, आपको मालूम है ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3+t, और ये प्लस 1/7, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2+3t डिवाइड यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 2+3t, ये हो जाएगा आपका 3, और लिख दो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो फाइनली क्या मिलेगा आपको, 2/7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, आप ये लिख दो 3+t, हमने क्या लिया था t, हमने लिया था लॉग x, ये हो जाएगा 3 log x बराबर, और ये हो जाएगा आपका देखो प्लस 1/7 इंटू 3 है तो 1/ आपका ये 21 हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2+3, टी हमने लिया था लॉग एक्स, और ये प्लस सी फाइनल आंसर। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, इसके पहले हमने 3rd चैप्टर डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस कम्प्लीट किया था, 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का भी हमने मिसलेनियस सॉल्व कर दिया था, और आज हमने इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।